डे टू हमारी राइड का और सारे गाड़ी आप देख रहे हैं पूरे ल्यू व्यू चेन क्लीनिंग हो के सारी रेडी हो चुकी है। और अब यहाँ से हम फटाफट से निकलेंगे और उसके बाद हम निकल रहे हैं यहाँ से सागर की तरफ। होपफुली आज हम सागर कंप्लीट कर ले। फिलहाल हम हैदराबाद में हैं और कल रात का खाना नितिन जी बता, अभी तक नहीं पता। इतना खाना हमने मंगा लिया था भाई और जो नींद हुई है हमारी माशाल्लाह मज़ा आ गया। तो चलिए फटाफट से ये राइड चालू करते हैं। अब मैं दिखाता हूँ आपको रोड कैसे है और क्या क्या हमें एडवेंचर्स मिल सकता है इस रोड में। तो सो फार सो गुड, मज़ा आने वाला है और भी बहुत ज़्यादा। तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद द ब्लॉग, आई विल कीप यू पोस्टेड गाइस, बाय बाय। डे टू भाई, डे टू की जर्नी कर रहे हैं शुरू और कल रात बहुत ही देर हो गया हमें सोते सोते, जिसका नतीजा ये था कि आज प्लान तो था 5 बजे निकलने का लेकिन समय हो गया 8:30, समझ सकते हैं। थोड़ा थकावट भी था और लोग भी नहीं सोए थे एक दिन पहले, तो ज़रूरी है क्योंकि यार इतना हड़बड़ाना नहीं है। सफ़र तो खैर होगा ही पूरा। तो चलिए फटाफट से, हो गया सारा पैकिंग सबका, लगेज हो गया, चलिए अभी यहाँ से निकल रहे हैं। लोडेड भगाना और बस भगाना है आज। हाँ आज तो तगड़ा भगाना पड़ेगा, अदरवाइज वी विल लैग। चलो हाइड्रेशन बैग वगैरह पूरा फुल तो नहीं है लेकिन है सफिशिएंट पानी। चलो सी यू ऑन द रोड्स गाइस। और हम निकल रहे हैं यहाँ से सागर की तरफ और ये राइड हो गई चालू हमारी। और ये हम NH हिट कर दिए हैं। तो ये कुछ हैदराबाद का मॉर्निंग ऐसा होता है। इसका नाम क्या है मुझे नहीं पता, अगर हम हैदराबाद से तो यहाँ पे कमेंट डाउन बिलो। तो दोस्तों हम निकल गए हैं, हाईवे पहुंच गए। नागपुर है 447 किलोमीटर और श्रीनगर है 2601 किलोमीटर। अब देख लो कहाँ जाना है भाई, मुझे नहीं पता। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं 12:45 और हम पहुंच गए हैं। कहाँ पहुंच गए नितिन जी? हम एक बालकोंडा पहुंच गए हैं टूवर्ड्स नागपुर, लेकिन नागपुर रुकने का प्लान नहीं है। लेट्स सी, अगर रुकते तो बता देंगे वो भी।
सो फार अभी तक जो हाईवे मिला है हमें उसमें कोई भी परेशानी तो नहीं मिली हमें। ये जो स्ट्रेच था 150 किलोमीटर्स का बहुत ही स्मूथ स्ट्रेच था अब तक, मतलब जो हमने गाड़ी खींची है आराम से 100-110 पे क्रूज करके आए हैं। और ट्रैफिक भी वैसे इस हाईवे पे कोई ज़्यादा नहीं, या फिर ट्रक वालों की उतनी ज़्यादा मस्ती नहीं है, तो ये हाईवे तो मुझे बहुत पसंद है। अभी चलो यहाँ से निकलते हैं। थोड़ा एक छोटा सा ब्रेक लिया था क्योंकि बॉडी थोड़ा क्रैम्प वगैरह आ रहा था, तो सोचा स्ट्रेच कर लेते हैं आराम से और एक चाय ब्रेक भी ले लेते हैं। तो स्निकर्स खाएंगे, थोड़ा चाय पी लेंगे और उसके बाद निकलेंगे यहाँ से फटाफट से। देखते हैं आगे हम आज कहाँ तक नाप पाते हैं। सो फार सो गुड, बाय बाय। ब्रेक लिया था और अब यहाँ से निकल रहे हैं। चलो रास्ते में मिलते हैं। ये हम पहुंच गए रोल मामडा टोल प्लाजा। ओह गाइस, तो हमने लिया एक छोटा सा ब्रेक वापस से, छोटा सा मतलब हो गया 30-40 मिनट का ब्रेक। हम सुबह से कुछ खाए नहीं थे तो लंच के लिए रुका गया, अच्छे से दबा के खा लिया, पेट वेट भर गया अभी। तो यहाँ से नागपुर अब निकल रहे हैं। नागपुर में नहीं रुकेंगे जैसा कि प्लान था, अब नागपुर से थोड़ी आगे पहुँचेंगे और देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। वहाँ पर कोई होटल वोटल देख के वहाँ पर आज रात का बसेरा है भैया अपना। ये हाईवे फिर से मैं बताना चाहता हूँ, बहुत अच्छा है, बहुत सही हाईवे, अच्छी खासी स्पीड मेंटेन कर पा रहे हैं हम लोग। तो सो फार सो गुड, चलिए मिलते हैं रोड्स पे। GoPro की बैटरी एक की चली गई है, दूसरे की है, देखते हैं वो कब तक साथ देता है। अगर नहीं देता तो उसको चार्ज पे डालना पड़ेगा। ओके सी यू। तो दोस्तों हो गया हमारा लंच ब्रेक खत्म, अभी बज रहे हैं 4:49 और हमें खींचना है बहुत लंबा लंबा। देखते हैं, अगर आज थोड़ा पुश नहीं किया तो आगे लैग कर जाएंगे, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते। Mesmerizing. यहाँ पे लोग फोटो तो खींचा बहुत है।
तो अभी भी क्लियर ही है, लेकिन लेट्स सी। लिया है हमने यहाँ पे एक ब्रेक, चश्मे चेंज करने हैं, लेंस वालों के पावर वालों का यही दिक्कत है। तो अब नॉर्मल क्लियर लगा लेते हैं कुछ बात के। और जिस तकलीफ की बात कर रहा था मैं, तो वो ये है, ये सारे हाथ पूरे कट जाते हैं, हाथ वाथ ग्लव्स के अंदर। तो आप अगर बैठ के सोच रहे हो कि हम बहुत आसानी से ये सारी राइड ही कर लेते हैं, तो सॉरी गाइज, दैट्स नॉट द थिंग। वी ऑल्सो हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स। अब फिर आप बोलोगे कि फिर करते क्यों हो, क्योंकि हमें अच्छा लगता है। देखो बग मेरे गोल से के बाद आप से बात करते हैं। मौसम अच्छा है, थोड़ी उम्मीद है, नागपुर जा रहे हैं, ऑब्वियसली ह्यूमिडिटी तो होगी। चलो सी यू। दोस्तों हम हैं नागपुर एयरपोर्ट के पास, और ये रहा मेट्रो का लाइन, फाइनली पहुंच गए। बहुत प्यारा सा शहर है, अब तक तो बहुत प्यारा सा लग रहा है। चलो ये इंटरेस्टिंग लगा तो मैंने आपको दिखा दिया एयरपोर्ट। चलो मिलते हैं। टाइम पे यार बहुत बहुत खूबसूरत है यार, हैदराबाद से तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। हैदराबाद कहाँ कंपेयर कर रहे हो? चलो दोस्तों, यहाँ हमने बैनर में पढ़ा है कि इट्स इंडियाज फर्स्ट मल्टी लेयर्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। बहुत खूब। और ऐसा सेम बैंगलोर में भी आ रहा है, बैंगलोर में मेट्रो और फ्लाईओवर दोनों आ रहा है, बेनरगट्टा से सीधा जा रहा है वो। बहुत खूबसूरत लग रहा है, बैंगलोर में भी बनने के बाद ऐसे ही लगेगा आई गेस। चलो शहर तो बहुत पसंद है, फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत सही था। हाँ खाना लेना है फिर रूम जाना है। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं नागपुर, करीब करीब 10 बज गए हैं और नागपुर अभी अभी पहुंचे हैं हम। ट्रैफिक नागपुर में घुसने के बाद मिला थोड़ा बहुत, लेकिन अभी जो ये ट्रैफिक दिख रहा है ये हाईवे वाला ट्रैफिक है। तो कुछ ही दूर में अपना रूम है, लॉग इन करेंगे वहाँ पे, लॉग इन मतलब चेक इन करेंगे वहाँ पे। रुके हैं यहाँ पे थोड़ा खाना वाना लेने के लिए, खाना वाना लेके सीधा घर को।
उसके बाद वहाँ पे जाके क्लोजिंग करता हूँ यार, बताता हूँ पूरे दिन का क्या रहा नहीं रहा, कैसा रहा नहीं रहा, और नागपुर कैसा लगा। कैसा लगा आपको नागपुर? नागपुर यार मतलब मुझे मतलब देखने में सिटी का पहला इम्प्रेशन तो अच्छा लगा। ऐसे कोई सिटी को कंपेयर करना, दो सिटी को कंपेयर करना मेरे हिसाब से अच्छी बात तो है नहीं, क्योंकि सारे सिटी का अपना चार्म होता है। और हैदराबाद अपने खाने के लिए, अपने पुराने तौर तरीके के लिए बहुत फेमस है, हेरिटेज के लिए फेमस है। लेकिन ट्रैफिक यार, ट्रैफिक ने दिल तोड़ दिया। ट्रैफिक पर नागपुर आकर के मतलब हमारे नितिन गडकरी जी जो रोड मिनिस्टर है ना, वो यहाँ से ही बिलोंग करते हैं, तो पूरा इन्फ्लुएंस नजर आ रहा था यार। मल्टी टीयर वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फर्स्ट ऑफ इंडिया, वो अच्छा लगा। चलो सेम बैंगलोर में भी आ रहा है। हाँ बैंगलोर में भी आ रहा है, लेकिन वो सेकंड हो गया। खैर अच्छा लगा, मतलब पहला इम्प्रेशन अच्छा लगा शहर का। तो ऑरेंज सिटी में आपका स्वागत है। संतरे लेके जाएंगे यहाँ, संतरे। चलो तो फिर आप लोग को मिलते हैं होटल पहुँच के, आराम से बताते हैं पूरा राइड कैसा रहा। चलो बाय बाय। One hour later. हालत खराब हो गई है यहाँ तक पहुँचते पहुँचते, पूरा एकदम थकावट आपके आपको मेरी आँखों पे नजर आएंगी। इतना थक गए हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टी आप जो देख रहे हैं ये हमें बहुत ही अच्छे डील में मिली है, और तीन फ्लोर है, तीनों फ्लोर हमें हमारा है मतलब पूरी बिल्डिंग हमारी हो गई है। और ये आपको नागपुर अगर आप आ रहे हो और आपको हाईवे के आसपास अगर रुकना है तो दिस इज द बेस्ट प्रॉपर्टी आई कैन सजेस्ट यू। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको, आप देख सकते हो प्रॉपर्टी, मतलब हर एक फ्लोर पे 1 BHK का पूरा सेटअप किया हुआ है। अच्छे रूम्स हैं, क्लीन रूम्स हैं, सैनिटाइजेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सो फार सो गुड। अभी पहुंच गए हैं यहाँ पे, अभी खाना वाना खाएंगे, बहुत भूख लगी है, प्लस थक भी गए हैं, तो जल्दी से सोएंगे क्योंकि कल की जर्नी चालू करनी है, और कल की जर्नी आई गेस लंबी होने वाली है, आज से भी ज़्यादा लंबी होने वाली है, तो वो और भी ज़्यादा टायरिंग होने वाली है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, ये ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करना चाहता हूँ। कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।